अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ से ऑफ़िस से मैं आ चुकी, एक न्यू डे का आगाज़ करते हैं। जी यहाँ पे ऑफ़िस से मैं आ चुकी थी, आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऑफ़िस की आप लोग को पता है वही रूटीन होती है, सिंपल सुबह जाना है, जाकर काम करना है, लोगों से बात करनी है, तो बस वही सब कुछ था। आकर यहाँ पर जी मैं सालन गर्म कर रही हूँ, साथ रोटी बना कर रखी हुई होती है मेरी, यहाँ पर बनाई हुई हैं तोरियाँ और चिकन, बहुत मज़े की लग रही थी। और एजल यहाँ पर जी बैठी देख रही थी, मतलब बैठे देख तो नहीं थी, नाच सुन रही थी और खेल रही थी। कहती मुझे बिठा दो, लिटा रहे थे तो रो रही थी। इस तरह हम लोगों ने टब में लिटा दिया। अगर आप लोगों को ये ट्रिप पसंद आए तो अपने बच्चों पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इन्हें बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। माशाल्लाह 4 महीने की हो गई है इज़ल, तो अब उसको बिठाने की प्रैक्टिस की जा रही है। और यहाँ पर जब तोरियाँ और चिकन बनाए हुए थे, मैं टेस्ट करी थी, सो गुड, भाभी ने बनाई हुई थी। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो सेम मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आप लोग बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, ईद आ रही है, क्या तैयारियां आप लोग की आजकल चल रही हैं। जी नेक्स्ट डे हो चुका था, ऑफ़िस टाइम वही ऑफ़िस रूटीन दोबारा से फॉलोअप की जी, वही सारा कुछ। उसके बाद जी यहाँ पर हम लंच करने के लिए आए थे, तकरीबन 3 बज रहे थे इस टाइम यहाँ पर लंच करने आए थे हम। के मार्ट, ये बिल्कुल हमारे ऑफ़िस के पास है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा आज इसका टेस्ट चेक करते हैं, वरना तो हम लोग फ्रेश को पे खाते हैं, उसका टेस्ट बहुत गुड है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था उनका खाना बहुत मज़े का होता है। लेट्स सी इनका टेस्ट करते हैं कैसा होगा। यहाँ पर जी हमने ऑर्डर कर दिया और वेट कर रहे हैं, वहाँ पर लोग शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। और साथ जी बाहर आजकल गर्मी बहुत शदीद हुई हुई है, जिसकी कोई हद नहीं। बस मुल्तान का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोग बताएं कैसे चल रहा है सब कुछ। जी हमारी ये दो चीज़ें आ चुकी हैं। हमेशा ये क्या है? चिकन सैंडविच। और ये क्या था? पिज्ज़ा पॉकेट। ये पिज्ज़ा पॉकेट है, और एक और भी था, वो भी आया नहीं है हमारा। सर के पास ऑर्डर कंप्लीट आ गए और हमारे पास अभी तक नहीं आया, बस अफसोस की बात है। आ ही जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद से तो नहीं हम भी कायम रहते हैं। हाँ जी हमने सारा खा लिया, अब इनसे हम पूछते हैं कि टेस्ट इन्हें कैसा लगा। मुझे तो बस नॉर्मल ही था, तुम बताओ। मैं आप लोग को कहूँगी यहाँ से कभी ना खाना, ज़रा नहीं अच्छा टेस्ट, बिल्कुल नहीं अच्छा था। सिरत आप नॉर्मली पैसे ज़्यादा लगाए और मज़ा नहीं आया। चिकन पॉकेट वो अच्छा था, मच बेटर इन दोनों के नस्बत सैंडविच और उसके। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम केयरफुल रहेंगे। चलो चलें, हम चलें हम। जी वहाँ से फिर हम ऑफ़िस चले गए थे, ऑफ़िस का थोड़ा सा काम वगैरह किया, फिर घर आ गए वहाँ। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था जी। ये सुबह संडे की रूटीन है। यहाँ पर जी दाल वाली रोटी बनाई हुई थी, मसर वाली, साथ जी मैंने थोड़ी सी अरबी बनी हुई थी, वो मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने कहना है कि आज के व्लॉग में खाने पीने ही शुरू किया हुआ है, ये मैंने एक टाइम में नहीं खाया, ये 3 दिन का व्लॉग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बस थोड़ी सी बात करने के लिए मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। आप लोग सुनाएं कि ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, बड़ी ईद आ रही है, इसमें ज़्यादा लोग मतलब कपड़े वगैरह को फोक या थोड़ी कम देते हैं, कुर्बानी का ज़्यादा सोचते हैं। आप लोग बताएं जानवर वगैरह आप लोग ने ले लिए हैं, जिन्होंने ले लिए हैं वो भी बताएं कि आजकल मंडी का क्या रेट चल रहा है। मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव है इस दफ़ा जानवर वगैरह, आप लोग बताएँ। और स्किन रूटीन की बात करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग उसी पे मैं अपलोड करूँगी आप लोग के साथ। स्किन की रूटीन तो हर टाइम आप लोग को करनी चाहिए, डे रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, डिफरेंट रूटीन्स हैं, आप लोग फॉलो ज़रूर किया करें जी। उसके बाद संडे वाले दिन भी ऑफ़िस का काम थोड़ा सा रहता था पेंडिंग में, तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उसके साथ यहाँ पर ऑफ़िस का काम हो रहा है, कूलर के आगे बैठे सुकून से ज़रा थोड़ा सा काम कर लें, गर्मी बहुत लगती है अभी आजकल मुझे तो। और यहाँ पर जी एजल को रिटायर हुआ था, साथ इसके खेल रही थी मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर थी, उसके साथ वो खेल रही थी। इन पर लगी हुई है जब से आई है। शराब यू शराब यार, वो देख लो मैंने 3 बंदों को मैसेज किया, वॉइस मैसेज सुन लिया है, रिप्लाई नहीं किया। ऐसे ही होते हैं सारे, बातें बड़ी बड़ी करते हो जे मटका नहीं होता इनके। जी
उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पर जी गलती से कर लिया फूड पांडा। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जी हमने यहाँ पे फूड पांडा अप्लाई किया। ऐप डाउनलोड की हुई थी मेरे फ़ोन में, तो ऐसे चेक कर रहे थे तो गलती से ऑर्डर हो गया। तो आप बता सकते, इतना प्रैंक यहाँ पर हमारे साथ हुआ है ना कि मतलब के मतलब मुझे एड्रेस समझाना नहीं आ रहा था उनको। ऐसे में उनको मतलब मैंने लाइव लोकेशन सेंड की, उन्होंने भी बहुत तंग किया सेंड मतलब आने में। और समोसे इतने मतलब गर्म थे, नहीं थे मतलब नॉर्मल थे, ओवन में हमने उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसका टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स नॉट गुड, बहुत ही बुरा टेस्ट था। बस पैसे लगाए हुए थे ना तो बस इसलिए खा रहे थे। अब यकीन करें ये 6 समोसे ना हम लोगों को 400 के मिले हैं। इससे अच्छा हम 400 का कुछ भी बना कर खा सकते थे। मतलब के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे समोसे। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि कभी भी फूड पांडा आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, मेरी तरफ से तो आप लोग यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इट्स नॉट गुड। समोसे तो आप लोग बिल्कुल भी ऑर्डर ना कीजिएगा। और एक तो वो ठंडे इतने ज़्यादा थे, ऊपर से इसका टेस्ट इतना अजीब था। बस खा लिए जितने हो सके हमसे, बाकी रख दिए थे हम लोगों ने। ये गलती से हमारा ये वाला आज का हमारे साथ ये काम हुआ था। हमने घर में किसी को नहीं बताया, पहले तो हमने किसी को नहीं बताया, बाद में हमने फिर सबको बता दिया कि हमसे जी ये वाली गलती हुई है। आप लोग बताएं, आप लोग फूड पांडा करते हैं तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। दही ऐसे पतला था और गर्म इतना शदीद था ना जी। शाम में भाभी ने बनाई थी शवारी चिकन, यहाँ पर बनाया था भाभी ने, जिसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं सो गई थी। और बस मैं जब उठी हूँ तो भाभी ने बनाई हुई थी। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ उसको, टेस्ट इज़ सो गुड। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि भाभी ने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी बाबा फोटार्जी की, देख कर बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें थोड़ी सी जो हम लोगों ने डिफरेंट की थी चीज़ वो भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, चिकन इतना अच्छे से टेंडर हुआ था ना कि बहुत मज़े से आराम से मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं खा रही हूँ। तो जी जैसे मैं खा रही हूँ, आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और अपना अच्छा सा फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।